हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बात करने जा रहे हैं कि 40 साल की लड़की को कैसे बताएं। आखिर 40 साल की औरत क्या चाहती है, 40 साल की औरत कैसी होती है। कई लड़कियां 40 साल में भी शादीशुदा नहीं होती है, तो आप ऐसी लड़कियों को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, आप कैसे आप अपने दिल की बातें बिना डरे कर सकते हैं, कैसे आप अपने मन की बातें किसी से शेयर कर सकते हैं बिना किसी को बताए। जब आपके मन में ढेर सवाल होते हैं तो मैं दीक्षा आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। लाइक कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। और हम बात करते हैं कि जब 40 साल की उम्र में लड़कियाँ क्या सोचती है। देखो, हर इंसान को प्यार चाहिए होता है और हर इंसान प्यार का भूखा है। हर कोई अपना करियर बनाकर थक जाता है और करियर बनाते बनाते कई बार प्यार हो जाता है। और प्यार घर से बाहर भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, या आपकी मार्केट में गए कहीं भी हो सकता है आपको प्यार। क्योंकि प्यार एक ऐसी मीठी शब्द है जहाँ पे आप एक दूसरे से मिलाव करते हैं। आपने किसी को पहली नज़र में देखा और देखते देखते ही आपका स्पेल पे स्माइल आ गई फेस पर, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप अपने फिर जाहिर से बात है कि शेयर जरूर करना चाहोगे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम रोज़ाना बात करने लग जाएं तो बात क्या होती है, छोटी छोटी बात आगे बढ़ी जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप रोज़ाना आप अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है। अगर किसी से भी कॉल पे आप या एक दूसरे से फेस टू फेस मिलने लग जाते हैं तो उनकी आदत बन जाती है, तो आपको कोई ना कोई बहाने से आपको मिलते रहना है और ऐसी बातें करना है कि हाँ आप उनको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके बोल दो आई लव यू, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। या डायरेक्ट आप कह दो कि मैं तुम्हारे को पसंद करता हूँ, कभी भी अपनी फीलिंग को डायरेक्ट नहीं शेयर करना है। आप डायरेक्ट तभी शेयर करें जब आप गारंटी ले लियो कि हाँ अब वो टाइम आ चुका है, तभी आपको शेयर करना है। वरना जल्दीबाजी आप अपनी फीलिंग को बताने में नहीं करना है। चाहे आपको अगर इंतज़ार करना पड़े तो आप इंतज़ार करें, लेकिन कोई काम आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है। आप किसी भी अनजान से जब आप वो 40 साल के हैं, आपको पता है कि उनका हो चुका है, ऐसा ना हो कि आप टाइम पास कर रहे हो। आप किसी के साथ टाइम पास मत करो, कि वो टाइम पास दो पल की खुशी होती है और हमेशा के लिए फिर गमी होता है। टाइम पास ना करें। अगर रिश्ता निभा सकते हैं तभी किसी से कनेक्शन में आए। और 40 साल की उम्र में लड़कियां होती हैं बिंदास, और लड़कियों को कोई नहीं होता है किसी प्रकार की टेंशन। ऐसे में उनको एक ऐसा साथी चाहिए जो उनको घुमा सके, शॉपिंग करा सके, उनकी मन चाही बात का अप्रिशिएट कर सके। अगर उनका मन कुछ करने को कर रहा है, कुछ लाइफ को एंजॉय करने का दिल कर रहा है, तो वो करेंगे, क्योंकि उनका मन एक उम्र हो जाता है, उसमें उनको फीलिंग होगा कि नहीं अब उस चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हो। क्योंकि वैसे 40 साल की लेडीज जो हैं उनका उम्र के हिसाब से दिल बहुत साफ होता है और वो झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं, और खासकर लड़कों से तो उम्मीद तो करते ही नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हो ना तो झूठ बोलना छोड़ दो। किसके लिए छोड़ना है, लड़कियों के लिए। आप झूठ बोलना छोड़ दें, पक्का है कि आपका कनेक्शन काफी स्ट्रांग होगा। चिल्ले बाय।